एपीटीवी भारत आवाज देश की। बीती 15 जून को व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मुस्लिम समाज को ठेस पहुंचाने वाला मैसेज एक युवक ने वायरल किया, जिससे मुस्लिम समुदाय में भारी रोष फैल गया था और ग्रामीणों ने रोड जाम किया और पुलिस ने आनन फानन में पंचगवा कोतवाली से मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से मंगलवार को ग्रामीणों ने सुबह मोहम्मदी शाहजहांपुर रोड जाम कर दिया। भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। घटना की सूचना पर SDM मोहम्मदी BD वर्मा और CO मोहम्मदी सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और ग्रामीणों को समझाने लगा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन SDM को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी की जाए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मौके पर इमाम मौलाना आबिद खां मौलाना, अयुब खान, तौसीफ रजा, मोहम्मद उमर खान, हाफिज मुजीब अली सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं CO मोहम्मदी विजय आनंद और SDM BD वर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कड़ी सजा दी जाए, उसने क्यों बदतमीजी की इतनी बड़ी करी, थाने में दी, चौकी वाले भी आए। जिस व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज वायरल किया था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी ही उसको गिरफ्तार कर, टीम लगी हुई है, बहुत शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी होगी और वो जेल जाएगा। कहीं हरियाणा या राजस्थान साइड में कहीं काम करता है, वहाँ से उसने मैसेज वायरल मैसेज भेजा था, उसकी उसका पता करके और टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी। हम लोग कहते हैं उनका सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा होनी चाहिए। हुजूर के बारे में बहुत ज्यादा उसने गलत बोला है, यही मचेचा से वायरल हुआ है। जो है जो आरोपी है उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज हो गई है IT एक्ट के तहत और जो विधानिक कार्रवाई वो की जा रही है, बहुत शीघ्र हम 24 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। यहाँ होता तो हम कभी का गिरफ्तार, क्या मैं बता तो रहा हूँ ना कि उसके लिए समय चाहिए, उसको हमारी टीम लगी हुई है, उसको वहाँ ट्रेस करने में वहाँ का पुलिस प्रशासन है राजस्थान का और वहाँ के लोगों से भी हम लोग भावना से उनसे जुड़ करके वो कार्रवाई कर रहे हैं, शीघ्र भी हमारी गिरफ्त में हो। APTV भारत के लिए लखीमपुर खीरी से संजय कुमार की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।